प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने स्वयं ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीते दिनों मां हीराबेन को तबियत खराब होने के बाद अहमदाबाद के यूएएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पीएम मोदी भी तुरंत अहमदाबाद पहुंचे और उनका हालचाल जाना था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपनी मां हीराबेन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। कोरोना महामारी और पीएम के व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से 2 वर्ष उनकी मुलाकात मां से नहीं हो पाई थी। फिर मार्च 2022 में गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मां से मिलने का वक्त निकाला। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनके साथ खाना भी खाया था। पीएम मोदी ने मां के 100वें जन्मदिन पर एक ब्लॉग भी लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पिता सुबह 4 बजे ही काम पर निकल जाते थे। उनके कदमों की आहट पड़ोसियों को बताती कि सुबह के 4 बज रहे हैं और दामोदर काका काम पर जा रहे हैं। वो अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना जरूर करने जाते थे। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। वह भी पिताजी के साथ उठती और सुबह ही कई काम निपटा देती थी। अनाज पीसने से लेकर चावल दाल छानने तक सभी काम माँ खुद करती थी। उसने कभी हमसे मदद भी नहीं मांगी। मुझे खुद लगता था कि मदद करनी चाहिए। मैं घर के सारे मैले कपड़े ले जाता और उन्हें तालाब में धोकर लाता। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ ही हो जाया करता। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग में आगे लिखा था कि जब हमारा बड़ा भाई किसी की दी हुई कोई चीज बाहर से लेकर आता तो माँ उसे फटकार लगाते हुए वह चीज लौटाने के लिए भेज देती। माँ में ईमानदारी के गुण थे जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए। पैसे कम हो तो भी ठीक, अगर ज्यादा हो तो वे पैसे न होने की स्थिति के लिए भी पहले से तैयारी कर लेती थी। पैसे न होने की स्थिति में भी वे किसी न किसी तरह परिवार चला ही लेती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ के बारे में उनके 100वें जन्मदिन पर बहुत सी बातों का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं संगठन का काम करता था उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ स्थानीय लोगों को ये बात पता चल गई कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही है, तो वे सड़कों पर बुजुर्ग महिलाओं से पूछते रहे कि क्या वे नरेंद्र मोदी की माँ हैं। केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जब वह मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। इसी बीच आपको बता दें, 100 साल की उम्र में भी हीराबेन ने अहमदाबाद में अंतिम सांस ली। बुधवार को ही तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया।